लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शादी मुबारक हो बेटी। आपको भी पापा। पापा, सूर्या से शादी मेरे इंतकाम का पहला कदम है। उस प्रभात ने आपको जेल भिजवाया, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। शाबाश, आखिर तू प्रेम प्रेम चोपड़ा की बेटी है। पापा, डायन तो सात घर छोड़ के वार करती है, लेकिन मैं वो डायन हूं जो सबसे पहले अपने ही घर को खा जाऊंगी। अब आप देखते जाइए कि कैसे कैसे सारे घर के लोग मेरे इशारों पर ब्रेक डांस करते हैं। भाभी, तुम मुझे ये कहां ले आई हो? अगर घर वालों को पता चल गया तो? जानू, घर वालों को मार पूरी, अपने फ्यूचर पर सोच। मैं तुझे किसी बड़े घर की बहू देखना चाहती हूँ, जहाँ जिंदगी का हर सुख तेरे कदम छूए। यह अमीर लोगों का क्लब है और यहीं से तुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। हाय बर्फी। हाय। चल, तेरी तकदीर ने खुद ही पुकारा है तुझे, करोड़पति खानदान का लड़का, दोस्ती कर लेना। या। हाय अनु। माय सिस्टर लो चंदा। चंदा, वाओ, तुम तो बिल्कुल चांद कर चुका हो। कम ऑन, लेट्स मूव। प्रभात, क्या हुआ? क्या चंदा, तू होटलों में नाचती है? शराब पीती है? कब से? किसके साथ गई थी बता, किसके साथ गई थी बोल। हाँ, मेरे साथ। मैं चंदा को होटल में लेकर गई थी। क्यों? कोई गुनाह कर दिया मैंने? मैं चंदा को मॉडर्न सोसाइटी की लड़की बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी किसी बड़े घर में किसी अमीर आदमी के साथ हो। तो इसमें क्या बुरा लगता है आपको? हाँ, बुराई बड़ा बनने में नहीं बहू, बुरा बनने में है। लड़कियों का इस तरह होटल में जाके नाचना कोई? तू कभी होटल नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे बच्चे भी होटल न जाएं। आप जानते हैं वहाँ सब नशा करते हैं और लड़कियां वहाँ। कौन कहता है कि नशा करना बुरी चीज है? सासू जी, इसे नशा मत कहिए। अरे, ये तो एंटरटेनमेंट है। और फिर ऐसी ही जगह पर जाकर बड़े लोगों से पहचान बढ़ती है, मुलाकातें होती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ प्रभात भैया को ये सब पसंद नहीं, और वो क्यों पसंद नहीं ये भी मुझसे छुपा नहीं। आखिर सौतेले है ना, सौतेलों की तरक्की कैसे देखी जाएगी इनसे? बहू, प्रभात ने जो सूर्या और चंदा के लिए किया है, वो उनके सगे बाप ने भी नहीं किया। खुद स्कूल नहीं पढ़ा, लेकिन इन्हें कॉलेज तक पढ़ाया। खुद भूखा सोया है, लेकिन कभी इन्हें भूखा नहीं सोने दिया इसने। इतना सा था मेरा प्रभात, तब से लेकर आज तक मेहनत मजदूरी कर रहा है हम सब के लिए, और तुम इससे सौतेला कह रही हो, इसे पराया बना रही हो। अरे, फैक्ट्री में सूर्या को अपनी जगह नौकरी भी मेरे प्रभात ने दिलाई है, वरना उसकी क्या। देखो माँ, ये नौकरी मुझे जरूर प्रभात भैया की वजह से ही मिली है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस नौकरी के काबिल नहीं। वैसे अगर भैया चाहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, तो कल ही इस नौकरी से रिजाइन करने को तैयार हूं मैं। अरे वाह, प्रभात भैया के कहने पर तुम नौकरी छोड़कर इनको तो तुम राम का दर्जा दोगे, लेकिन इसे पूछो, इन्होंने कभी तुम्हें लक्ष्मण समझा? लक्ष्मण से भी ज्यादा बहू। एक मिनट जीजी, एक मिनट। देखो जीजी, एक बात तो साफ है, प्रभात सूर्या से बड़ा है, और ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इससे छोटा जिंदगी में इससे ऊंचा हो जाए। एक बात तुम सब सुन लो। देखो मां, अनु का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर अनु ने चंदा के लिए कुछ भला करने की कोशिश की तो कोई गुनाह नहीं किया उसने। चंदा मेरी बहन है। और हमारी कुछ नहीं? तुम जो सोचो वो ठीक है, हम सोचे वो गलत है। ये सोच सोच का फर्क है माँ, आपकी और प्रभात की एक सोच कुछ पुरानी हो चुकी है, जितनी जल्दी बदल दो बेहतर होगा। चलो अनु। सूर्या ठीक कहता है जीजी। Thank you.
अन्नू का घर? जी मैडम। अंदर जाकर कहो अन्नू से कि उसकी दीदी आई है हांगकांग से। अच्छा मैडम। दीदी, what a pleasant surprise! अरे अजाने कैसे आना हुआ बिना बताए? तूने शादी कर ली बिना बताए? शादी को तो सिर्फ 7 महीने हुए हैं, कहीं तू भी मेरी तरह शादी से पहले ही है। चलो संभल के। और बता हांगकांग में कैसे चल रहा है? बस अच्छी दीदी। अच्छा ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। ये सूट तेरे हस्बैंड। वाओ दीदी। ये ड्रेस तेरे लिए। व्हाट अ कलर। और ये साड़ी भी तेरे लिए। क्या दीदी, तू तो जानती मैं साड़ी नहीं पहनती। अब ये साड़ी मैं वापस कहाँ ले जाऊंगी? तेरे होने वाले बच्चे के नाम पे मैं साड़ी तेरी नौकरानी को दे देती हूँ। ए भाई ये ले। प्रभात भैया ये मेरी बड़ी बहन है। गलती तुम्हारी माँ की है। वो अगर नौकरानी जैसे कपड़े पहनेगी तो लोग उसे नौकरानी समझेंगे ना। कंग्रेचुलेशंस, लड़का पैदा हुआ। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, लेकिन इसकी नाक बिल्कुल अनु जैसी है। नहीं नहीं बच्चा मुझे दे दो। अरे ये क्या कर रही हो, बच्चा क्यों छीन लिया? हमारे यहाँ नए बच्चे को किसी लूले लंगड़े गूंगे बहरे के हाथ नहीं देते हैं, बड़ा अपशकुन माना जाता है। क्या कह रही हो? समझते हैं, तुम अपने सारे दर्द सारे गम हमें दे दो। अब गमों और दुखों के सिवाय इसकी किस्मत में बचा ही क्या है? प्रभात मैं तो 15 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आ गया हूं, लेकिन अब जो सजा मैं तुम्हें दूंगा तेरी किस्मत भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नीच कमीने, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तू मुझे मारेगी? हा? तेरी ये हिम्मत? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। मैं सूर्या की बीवी अनु का बापू। तूने मेरा धन तोड़ा है, मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। माजी, माजी
माँ जी ए अंधी हो क्या? ये घर है बाग बगीचा नहीं, जो मुंह उठाए दौड़ी चली आ रही हो। मुंडी नीचे। क्या? एक तो पिताजी की शराब की भरी हुई बोतल तोड़ दी और ऊपर से मेरे मुंह लगती है तू। अब समझ गई, तुम अनुई हो सकती हो। बहू ससुर को दूध लस्सी की जगह सुबह सुबह शराब पिला रही है। वाह, लोग घर में आई भोग को अन्नपूर्णा गुणपूर्णा कहते हैं, लेकिन तुम तो अवगुणपूर्णा घृणापूर्ण हो। शट अप, आखिर तुम हो कौन? हा, हम उम्र में तुमसे छोटे हैं मगर रिश्ते में तुमसे बड़े हैं। हम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हैं। ओहो, तो आप ही है वो नैना। नाम नैना रख लिया और नैनों की चोटी खोदी। वैसे भी अंधे और गूंगे की क्या जोड़ी रहेगी। वाह, पत्नी अंधी, पति गूंगा और बच्चे, बच्चे तो होंगे लूले लंगड़े। बोल, फिर से बोल। और बच्चे होंगे लूले लंगड़े। मेरे प्रभात का मजाक उड़ाती तू, उसे गूंगा बोलते। गलती तेरी थी बहू। नैना जाने दे बेटा, जो हो गया उसे भूल जा। तेरी किस्मत अच्छी थी कि माँ जी बीच में आ गई। नैना एक बात सुन ले, फिर मेरे प्रभात को गूंगा कहाँ चीर के रख दूंगी। नैना हम तो ये सत्यनारायण का प्रसाद लेते तुम्हारे लिए, लेकिन ये सुरूप नका हमसे टकरा गए।